कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता आप ही लोग, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो यह हाल है कि उनके पुत्र प्रियांक खड़गे रोज सनातन का अपमान करते हैं, ये नहीं स्वीकार। बिहार आरजेडी के स्वनाम धन्य अध्यक्ष जगता बाबू बोल पड़े हैं कि टीका लगाने वालों ने देश को आजाद नहीं होने दिया। जगता बाबू आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजवादी चिंतक हैं। अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि टीका लगाने वालों ने ही देश को गुलाम करवाया था। आप देखिए जगदानंद सिंह के बयानों पर खूब भड़क गए पटना साहिब से सांसद हैं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, और साफ साफ पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर जगदानंद सिंह जब ऐसा बयान दे रहे हैं तो जो विपक्ष का बैठक हुआ था मुंबई में, तो उस बैठक में लालू प्रसाद यादव सिद्धि विनायक मंदिर में गए थे जहां पर उन्होंने माथा भी टेका था और टीका भी लगाया था। तो क्या इन लोगों ने मुंबई में जो बैठक किया उस बैठक में यही तय किया कि किस तरीके से हिंदुओं के आस्थाओं को अपमान किया जाए, तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। सनातन धर्म सबों का अपमान, तो सुन ले सोनिया जी, हिंदू आस्था हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और भाजपा की ओर से हम गांव गांव जाके आपकी सच्चाई को उजागर करेंगे। आज हमें इस बार कुछ विनम्रता से आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि कोई तरीका है बोलने का कि सनातन एड्स है, एचआईवी है। ये जनता वो क्या बोल रहे हैं लालू प्रसाद जी, अपने अध्यक्ष के बारे में कुछ आपको बोलना है कि आप गए थे सिद्धि विनायक मंदिर में दिखावा करने के लिए, मतलब बात है टीका। कल आपकी फोटो छपी है जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को झूला झूला रहे और टीका लगा रहे, किसके लिए है? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए फिर मुझे अब छोटे लोगों से सवाल पूछना ही नहीं है। सोनिया गांधी आप जवाब दें, राहुल गांधी आप जवाब दें, प्रियंका आप जवाब दें, कांग्रेस पार्टी के कर्ता धर्ता आप ही लोग, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो यह हाल है कि उनके पुत्र प्रियांक खड़गे रोज सनातन का अपमान करते हैं, ये नहीं स्वीकार होता। हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, क्या क्या बातें बोलते हैं। थोड़ा सुनिया जी, एक और आपसे आग्रह है, थोड़ा हिंदुस्तान को समझिए। माता शबरी कौन थी? एक भीड़नी थी ना। वाल्मीकि कौन थे? वेदव्यास कौन थे? संत रविदास कौन थे? मुझे गर्व है कि संत रविदास को कितना सम्मान मोदी जी ने दिया है। अभी सागर में उनका बड़ा मंदिर बना है, काशी में और बन गया। यही तो अपना हिंदू आस्था की सोच है ना। कोई भी व्यक्ति किसी समुदाय में हो, अगर वो तपस्वी है, संकल्पित है, तो वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, आपके सवाल लेने के पहले मैं जस्ट कॉन्क्रिटाइज कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू चिंतन हिंदू विश्वास हिंदू आस्था का जो रोज अपमान हो रहा है विपक्षी गठबंधन के द्वारा, इसीलिए आपको घमंडिया कहते हैं। क्या आपको घमंड है कि देश हम समझते हैं और कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है? सोनिया गांधी जी, आपके लोग संविधान समझते हैं, पढ़ते हैं? और सोनिया जी, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आज संविधान बनता, अगर बनता और आज की संविधान सभा में इन महान देश के विभूति मिश्रियों के साथ, लेकिन हिंदू आस्था आगे बढ़ती रही, सनातन की ज्वाला और चमकती रही, ये लोग किस खेत की बोली है? और तो और, आज हमारे बिहार आरजेडी के स्वनाम धन्य अध्यक्ष जगता बाबू बोल पड़े हैं कि टीका लगाने वालों ने देश को आजाद नहीं होने दिया। जगता बाबू आप तो बड़ा दावा करते हैं कि बड़े समाजवादी चिंतक हैं,
अभी पिछले हफ्ते मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में आपके नेता लालू जी गए थे ना, अपने पुत्र उप मुख्यमंत्री के साथ झुककर प्रणाम कर रहे थे, टीका लगवा रहे थे ना, तो ये क्या कर रहे थे वो? जगता वो कुछ हिंदुस्तान का इतिहास आप जानते हैं क्या? मदन मोहन मालवीय कितने बड़े देशभक्त थे और आजादी के आंदोलन नेता थे, बरास यूनिवर्सिटी बनाया, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, हमेशा उनके महान मस्तक पर टीका चमकता था कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणेश चतुर्थी के माध्यम से पूरे देश में जागरण किया, अभी आने वाली गणेश चतुर्थी, महर्षि अरविंद। तो अभी आपने देखा जो बीजेपी सांसद है रविशंकर प्रसाद खूब बढ़ गए जगदानंद सिंह पर, और साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो लगातार हिंदू आस्था का ये लोग अपमान कर रहे हैं, ये बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हिंदू आस्था का जो ये लोग तमाम जो विपक्ष के नेता हैं लगातार वो सनातन को लेकर और जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर ये लोग बयान दे रहे हैं, ये बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। और बीजेपी गाँव गाँव में घूम कर इन लोगों का जो चेहरा है वो बताएगी कि कैसे इन लोग हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं। और साफ साफ पूछ रहे हैं कि क्या मुंबई में जो बैठक हुआ था उस बैठक में यही इन लोगों ने तय किया था कि कैसे हिंदू आस्था को अपमान किया जाए। और भी क्या कुछ कहना था रविशंकर प्रसाद का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।